अज जिवें तुसी पहलां जानदे हो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच ये जिहड़े साढ़े 2 नंबर ते 8 नंबर वार्ड सी इन्हां नूं जित्ते होयां नूं हारे हुए डिकलेयर करता सी इन्हां ने ते हारे हुए उम्मीदवारां नूं जेतू सर्टिफिकेट दे दित्ते गए सी। उहदे संबंध विच असीं हाई कोर्ट दे विच पहुँच की सी ते अज उत्थे तारीख सी पर करोना करके उत्थे हाई कोर्ट दे विच ये तारीख हुण 25 अगस्त की पा दित्ती गई है। तो 25 अगस्त की तारीख पा दित्ती गई है। असीं इस संबंध विच बेनती यह सी साडी कि जिन्नी छेती हो सके इन्हां लोकां नूं इंसाफ मिले ते लहरे दा कम जिस आस्ते उम्मीद नाल लोकां ने अपने MC चुने सी चुने हुए बंदयां दे हत्थ दे विच लहरा गगा नगर कौंसल की बागडोर हो गई। पर मैनू इस चीज़ की बड़ी ताजुब है, हैरानी है मैनू इस चीज़ की कि अज तक यह कांग्रेस के लीडर ये गल कही जा रहे थे कि इन्होंने देखो जी स्टे ले ली प्रधानगी ते सारे विकास के काम रोकते। पर हुण मैनू इस चीज़ की जिवें पहलां दस्या ये दसदे हुए बड़ा अजीब महसूस हो रहा है कि हुण इन्हां कांग्रेसी लीडर ने आप रिट नंबर 9956 ऑफ 2021 इस रिट दे राही हाई कोर्ट तक पहुँच की है कि 2 वार्डा की चोण बारे भी ते तीजा उन्होंने रिलीफ मंगया कि यह प्रधानगी की चोण होनी नहीं चाहिए। सो किड्डी अजीब गल है, एक पासे दा सानू दोष दे रहे हैं कि तुसी स्टे लैके विकास रोकता, पर एक पासे हुण आप हाई कोर्ट दे विच पहुँच कर रहे हैं भी प्रधानगी की चोण नहीं होनी चाहिए। हुण ये मामला की है, इहदे विच की ये करना चाहते हैं? हुण मैं समझदा जितों तक क्योंकि अज सुन्नी कमेटी इन्हां दे हत्थ च आ गई, ये आपदी मनमानियां कर रहे हैं, कमेटी दे विच सही कम नहीं हो रहे, जिथे कम होने चाहिए ने उत्थे हो नहीं रहे ते जिथे नहीं होने चाहिए उत्थे कराई जा रहे हैं अपने निजी हितों के लिए। सो इन्होंने सारा देख के किता कम ही वधिया। सो इन्होंने यह रिट करके उत्थे हाई कोर्ट चो रोक मंगी है। बाकी जिते तक स्टेट इलैक्शन कमीशन का तलक है, मैं समझदा स्टेट इलैक्शन कमीशन पूरी तरह नाकाम होया। हुण स्टेट इलैक्शन कमीशन कल्ला ये लिख के कि उन्होंने लिखता जी RO रिटर्निंग ऑफिसर नूं सस्पेंड किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट नूं लिखता ते इहदे खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। जे स्टेट कार्रवाई नहीं करती तो इलैक्शन कमीशन इज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, दे कैन गो टू द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट के विच आके अपनी ग्रीवेंसिज दसनी चाहिए है। जदों खुद मन चुके ने इन्हां दे स्टेट इलैक्शन ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आ गई कि साडे नाल धक्का होया, ये 2 कैंडीडेटां नाल सिर्फ धक्का नहीं होया, ये धक्का नाल स्टेट इलैक्शन कमीशन नाल होया, ये ठगी उन्हां नाल हुई है ते उन्हां दे खिलाफ़ जदों धक्का होया तो उन्होंने कोर्ट के जाके इंसाफ मंगना चाहिए या सरकार ते दबाव बनाना चाहिए, पर वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लिया कि लो जी असी लिखता। सो इस करके स्टेट इलैक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने मुलाजमान, क्योंकि मैं वो स्टेट के मुलाजम नहीं कह सकता, ड्यूरिंग इलैक्शन प्रोसैस वो स्टेट इलैक्शन कमीशन के मुलाजम होंगे तो उन्होंने मुलाजम ही उन्होंने धक्का करना तो इलैक्शन कमीशन चुप बैठे रहे। सो ये उन्होंने जिम्मेवारी लेके इन्हां लोकां नूं दुश जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सज़ा दवानी चाहिए है तो जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए है। हुण ये कह देंदे ने जी रिटर्निंग अफसर कहते हैं मैनू नहीं पता मैं नहीं की टैंपरिंग, वो टैंपरिंग तो सामने दिखन लग रही है, ओवर राइटिंग सामने दिखन लग रही है तो फिर कौन कर गया इनू आके? हुण किसी की जिम्मेवारी तो फिक्स इन्हां नूं करनी चाहिए है, ये कुछ नहीं कर रहे, सारे आपदी जिम्मेवारी तो भज रहे ने। पर असीं सानू माणयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ते पूर्ण भरोसा है कि सानू उत्थों इंसाफ मिलू, इन्हां दोषियों नूं सज़ा भी मिलेगी ते नहीं असी होर भी तरीके दे नाल असी सारे अपने वकीलों नाल रह भी कर रहे हां ते जिहड़े भी होर कोई ढंग होए असी इह जिम्मेवारी फिक्स कराउण दे विच ते इन्हां दोषियों नूं सज़ा दिवाउण दे विच ते इन्हां जिहड़े वार्ड दे साडे 2 जित्ते हुए बंदे ने इन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई असी हर संभव कोशिश करांगे। मेरा नाम सुनील कुमार बबली है जी, तो मेरी मैडम का नाम सुरेंद्र कौर है, तो 2 नंबर वार्ड के खड़े हुए आजाद उम्मीदवार 373 वोटा लिया, 69 वोटा जीते हुए थे, 5 घंटे बाद सानू फरा दिता जाता। तो माणयोग हरियाणा हाई कोर्ट के सामने पेशी लाई थी, 3 पेशियां हो गई, अज लास्ट पेशी 6/5/2021 जिड़ी कि उन्होंने
25/8/2021 करती तो असं यही मंग करते हैं भी साडा फैसला छेदी किया जाए तो सानू साफ। हाँ जी हाँ, विकास तो बहुत ज़्यादा रुकिया, सारा कुछ रुकिया जी, सैन भी रुके पे ने, विकास भी रुकया पे, को पेंशन जो भी कुछ है सब कुछ रुकया पे जी। लोग त्राही त्राही करते पे ने भी साडा कुछ नहीं हो रहा, भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो मानयोग तो यही उम्मीद है भी साडा हाल ठीक है। सुरेंद्र सिंह जगी, अज जी 6 तरीक की पेशी थी तो सानू हाईकोर्ट से मानती भी सानू जित हासिल होगी, क्योंकि इन्होंने जो पहला सानू जित करार दिता थी असी टोल टमके वार्ड के असी गए तो बाद 3 बजे पता लग गया कि दोबारे हारू करार देता। सानू हाईकोर्ट से मानना है भी सानू हक दवाणगे, तो अज भी सानू 6 तरीक पूरा मानती भी अज सानू हक मिलेगा, क्योंकि यदि अगे पेशी पाई गई तो हाईकोर्ट तो यही मंग करते हैं कि सानू पहला जो जेतू करार दिता गया सी भी सानू उही करार जेतू करार दिता जाए,